राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में लाभ मिले, धन की वृद्धि हो, इनकम बढ़े। अगर आप कोई दुकान किए हैं, नहीं चल रहा है और आप इसको लेके परेशान हैं, आप अपने दुकान की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, या कोई व्यवसायिक स्थल है जहाँ के माध्यम से आपको इनकम प्राप्त करना है और आपकी इनकम में वृद्धि नहीं हो रही है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, व्यवसाय बिजनेस कोई भी हो सकता है, अगर आप एक ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई भी आपका संस्थान है जिसके माध्यम से आपकी इनकम में वृद्धि होनी है और ऐसा नहीं हो रहा है, और आप यह चाहते हैं कि आपको लाभ की प्राप्ति हो, आपकी हर प्रकार की व्यवसाय बिजनेस, चाहे मेडिकल शॉप की दुकान हो, साड़ी की दुकान हो, कोई भी आभूषण की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, किसी प्रकार की दुकान हो, मैं जो बता रहा हूँ उसको भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से लिख करके आप दीवार पर लगा देते हैं, तो आप देखिएगा कि दिन दोगुना रात चौगुना आपके लाभ में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, ग्राहक आपसे खुश होंगे और इससे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी, लाभ बढ़ता जाएगा। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो प्रयोग के प्रति आपको आस्थावान होना है, समर्पण की भावना रखना है, क्योंकि हर यंत्रों के उसके देवता होते हैं, उसके इष्ट होते हैं। अगर आप यंत्रों पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको लाभ तो बिल्कुल नहीं देगा, हाँ हानि जरूर दे सकता है। अतः बिना श्रद्धा भाव विश्वास के साथ आप प्रयोग करते हैं तो हानि भी हो सकती है। अतः यंत्र के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और अपने आध्यात्मिक गुरुदेव के प्रति आपको आस्थावान होना बहुत जरूरी है। किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहाँ कोई शोरगुल ना हो, नशोरगुल होने की संभावना हो। धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जला लीजिए और बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुछ अलग हो, उनका बना आसन हो सकता है, कम्बल का बना आसन हो सकता है, कुश का बना आसन हो सकता है। और आपने भोजपत्र, अष्टगंध और अनार कलम पहले से ही मंगा लिया है, उसको लाना है, उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें, आप प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएँ तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो हर जगह आपका नुकसान होता है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे शारीरिक स्थिति हो, हर जगह कुछ ना कुछ नुकसान होगा। इनकम में कमी आएगी, लाभ कम होगा, कस्टमर आपसे दूर हो जाते हैं, कस्टमर आपके पास नहीं आते हैं, और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। रिश्ते भी आपके टूटे जाते हैं, बिखरते जाते हैं, सबसे दूरियाँ बननी शुरू हो जाती है। अंदर से एक मायूसी, एक तनाव, एक चिंता, एक दुख का भाव होता है। चेहरे पर हंसी गायब हो जाती है, अंदर से प्रसन्नता का अभाव हो जाता है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर वशीकरण पावर को, एनर्जी पावर को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ तंत्र हैं, कुछ यंत्र हैं जो हमारे माध्यम से मंगवा करके आप पहन सकते हैं, और कुछ साधनाएँ भी हैं जिसको आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ उसको अगर श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करते हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलती है। यहाँ पर मैं एक यंत्र दे रहा हूँ, यंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। यंत्र इस प्रकार से है, जैसे जैसे आपको लिखा है वैसे वैसे लिखना है। देखिए कैसे कैसे लिखा है। पहले आप ऊपर वाले खाने में लिखते हैं ल, फिर लिखते हैं छ, फिर म, फिर नीचे वाले खाने में ई है, फिर लक्ष्मी बढ़ते, फिर ई लिखा है, फिर नीचे म है, फिर छ है, फिर ल है। कैसे लिखना है आपको, भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से सोमवार के दिन लिख करके और दुकान पर उसको चिपका दीजिए, लगा दीजिए। इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ता जाएगा।
मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने को सकता नहीं, अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।